अगर दोस्तों कंपेयर किया जाए तो वर्तमान समय में चाइनीज नेवी में 69 सबमरीन्स आती हैं, जो चाइना की सबसे बड़ी ताकत है। वहीं हमारी इंडियन नेवी 17 सबमरीन्स में ही सीमित होकर रह जाती है, जिनमें से कई तो पुरानी भी हो चुकी हैं। और अगर हम चीन की बराबरी करना भी चाहें तो हमें इस काम में तकरीबन 50 साल लग जाएंगे, क्योंकि भारत अभी 10 साल में सिर्फ 5 से 6 सबमरीन्स बनाने में ही सक्षम है। अब आप सोच रहे होंगे कि चीन तो इस मामले में भारत से काफी आगे है, तो जरा ध्यान दीजिए, युद्ध हथियारों की संख्या से नहीं बल्कि साहस और रणनीति से जीता जाता है। और यही बात हमारा भारत अच्छे से जानता है, इसीलिए भारतीय सरकार ने 12 अमरीकी PAT विमान खरीद रखे हैं, जिन्हें सबमरीन हंटर भी कहा जाता है। इस प्लेन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हवा में उड़ते हुए गहराई में छिपी किसी भी सबमरीन को अपने शक्तिशाली रडार सिस्टम से खोज तो सकता ही है, साथ ही जरूरत पड़ने पर उन पर हमला कर उनकी वहीं जल समाधि भी बना सकता है। मतलब भारत के सामने चीनी पनडुब्बियों की संख्या बेकार साबित होगी।